अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे आप सब लोग? कैसे गुजर रही है लाइफ? आज मैंने बनाए हैं जी स्पगेटी, मेरे स्टाइल में इंतहाई मज़ेदार गर्मा गर्म स्पगेटी। तो चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो स्पगेटी को जो है वो आप बॉईल कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के बॉईल कर लें। फिर उसके बाद उसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से उसको वॉश कर लें ताकि वो उसके अंदर से सारा ऑयल वगैरह भी निकल जाए और उस तरह स्पगेटी जो है वो खिली खिली निखरी निखरी रहेगी, आप इसमें जुड़ेगी नहीं ठंडे पानी से। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अदद प्याज, अनियन उसको हमने फाइन जो है चॉप कर लेना है, मीडियम साइज़ का होना चाहिए। और हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट, आप टमाटर लेकर उसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लें। 1 ब्रेस्ट पीस हमें चिकन का चाहिए जिसको पहले मैंने बॉयल करके उसको श्रेड कर दिया। और जो वेजिटेबल्स हैं वो आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले लें, मेरे पास घर में अवेलेबल थी गाजर और मटर, आप चाहें तो मशरूम, बेल पेपर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और सॉसेस चाहिए होंगी हम इसके लिए, मैंने केचप, सोया सॉस और चिली सॉस यूज़ की है। चिली सॉस जो है मैं थोड़ी यूज़ करूँगी, बहुत ही बहुत तेज़ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1/2 कप या थोड़ा सा उससे कम ऑयल, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जी अपना अनियन। अनियन को जो है हमने ब्राउन नहीं करना, इसको बस हल्का सा सौते करना है। तो ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ बिल्कुल हल्के से, थोड़ी देर इसको मैं सौते करूँगी। तो ये देखिए ये हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो पेस्ट, तो अब इसको बस इसको भी मिक्स करूँगी थोड़ा सा, और इसमें जाएंगी जी वेजिटेबल्स, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं ढक कर इसको रखूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स है बिल्कुल रॉ है और हमने इनको जो है पकाना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं फिर इसको ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में हो जाएंगी। ये देखिए वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से जो हैं वो गल चुकी हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी चिकन और इसको फिर मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस, वो अपने टेस्ट के हिसाब से और जितने भी जो भी डालने आप डालें। मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रखे। आप चाहें तो इसमें कोई भी चिलीज़ वगैरह इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉसेस भी यूज़ करनी है तो वो भी चिली सॉस भी बहुत तेज़ होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस हिसाब से आप अपने देख के स्पाइसेस में डाल लीजिए। और ये डालने के बाद मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, और अब इसमें मैं डालूँगी मेरा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जिसकी वजह से स्पेगेटी बहुत जूसी और मज़े मज़े की, मतलब थिक सा जो है उसका जो है टेक्स्चर आता है, बड़े मज़े की बनती है। यह है जी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में, थोड़ा 1 कप पानी में मिक्स करके वो डाला है, और मैं इसको मिक्स करूँगी तो एक बड़ी अच्छी सी ग्रेवी सी बिल्कुल ना टेक्स्चर बड़ा मज़े का आ जाता है, ऐसे जूसी बनती है स्पेगेटी। और इसमें फिर डालेंगे जी हम 2 टेबलस्पून भर कर केचप के, मेरे केचप की बोतल जो है वो आखिरी सांसें ले रही है, ख़त्म हो चुका था तो मैंने न्यू लेना है। और इसके बाद इसमें जाएगा जी सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। उसके बाद जब मैं स्पेगेटी बना दूँगी उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा और 1 टेबलस्पून और डाला था, लेकिन वो मैं फिल्म करना भूल गई, तो आप भी इस तरह डाल लीजिए। और इसके बाद चिली सॉस डालूँगी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि ये चिली सॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चिली सॉस स्ट्रॉन्ग है, और मैंने वो एक चाइनीज़ डिश में बनाया और बहुत बहुत ही स्पाइसी डिश बन गई थी, और मेहमान भी आए थे तो ब्लंडर हो गया था, बस गुजारा भी हो गया। तो अब इसमें इसके बाद जी स्पेगेटी जो हमने बॉईल की हुई है वो सारी डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके ऊपर जो है हम जो है फिर सोया सॉस डालेंगे, जो कि मैं फिर कह रही हूँ कि मैं फिल्म करना भूल गई, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए अब इसका टेक्स्चर देखिए जूसी जूसी सा आया ये कॉर्नफ्लोर की वजह से। अब तो इस तरह फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना। लीजिए हो गई हमारी स्पेगेटी तैयार, फटाफट मज़ेदार सी स्पेगेटी। तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह आपको। और बच्चों के लिए बनाएं, खुद खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, तो
इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा ज़रूर। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।